ते प्रशासन नू शासन नू कोई इंसान सुधरना चाहुंदा है। असी मनदे हां कि कुछ गलतियां बहुत वड्डियां गलतियां होणगियां, छोटियां गलतियां होणगियां, इंसान करदा सारे को हुंदियां है। और जे भुपिंदर सिंह सोनू तो भी जे कोई गलतियां होईयां आ ते जे उहदा खंडन करदे आ, उहदी माफ़ी मंगना चाहुंदे आ, और जे समाज की सेवा करना चाहुंदे भी जिहड़ियां पिछलियां गलतियां हो गईयां ते प्रशासन नू शासन नू और समाज नू उह चीज़ां माफ़ कर देणियां चाहीदियां। जी एन आई दी रेड पई है, देखो ना 9 घंटे सर्च की है, 9 घंटे दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं मिले। तो सारे समाज में पता वा, तुम मीडिया वाले कई मंचा से मैं मिले हो, कई स्टेजा से मैं मिले हो, तो पता वा शासन प्रशासन सारे पता कि कोई भी जी गलत एक्टिविटी मेरी बिल्कुल भी नहीं, जो पिछे हो गया वो मैं सज़ा भुगत चुका वा। और कोर्ट ने मैं मानयोग अदालत ने मैं जमानत भी दी है, तो जे मेरे केस से वो बरी भी हुए हैं, कुछ एक दो केस जो रह गए उन्होंने मैं जमानत दी है, तो वो मानयोग अदालत ने मैं जमानत दी है, तो वो करके मैं घर बैठा। उस तो बाद मेरी कोई भी गल किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, क्राइम की दुनिया मेरी कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं किसी वेखन में मिली, ना शासन प्रशासन। मैं बड़े आराम अपने समाज का काम कर रहा, तो उस दौरान भी फिर भी मैं परेशान जो किया जा रहा, 9 घंटे जी रेड चली है, सू पूरे परिवार को जरा एक नज़रबंद करके 9 घंटे के करीब जी रेड चली है, तो वह जोड़ा सिट्टा सगा जोड़ा सिट्टा निकलो बिल्कुल जीरो, कोई कोई रिकवरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना किसी रीजन तो जोड़ा वा सू तंग किया। सुनो जी, की लगता कि ना घर के बैंक खाते भी खोले जाते, ता भी बैंक खाता खोले जाता, मदर का भी बैंक खाता खोलिया जाता, कुछ नहीं लगता, तो फिर क्यों रेड मारते हैं कि एक तो गैंगस्टर पहले से ना तुम, हूँ तो सेवा करते पे सारे की, तो फिर क्यों करते हैं पुलिस ही गैंगस्टर बना रही फिर तुम फिर दोबारा? देखो हो सकता प्रशासन से भी कोई दबाव हो, कोई राजनीतिक दबाव, कोई स्टेट का या सेंटर का किसी तरह का भी राजनीतिक दबाव हो सकता, क्योंकि समाज का काम कर रहे, तो कि राजनीतिक लीडर के दिमाग कित हों कि समाज में इकट्ठा कर रहे, ज्वाइंट कर रहे, कि कल साढ़े अगर कोई वो इलेक्शन लड़ रही जो कोई वाला टारगेट तो नहीं बनने जा रहे साढ़े, इस करके उन्होंने जो कुर्सियां जीडिया हिल दी उन्होंने कितना कि फील हों, क्योंकि एजेंसियां जो है तो सरकार के अधीन ही ना। सोनू जी, इतने दो गैंगस्टर रहिंदे ने ताडे इलाके च, एक ताडा नाम वजदा, एक होर बंदे दा नाम वजदा, ठीक है, फिर उरे घर रेड क्यों नहीं पैंदी, ताडे घर क्यों रेड पैंदी 6 बजे सवेरे? देखो ये तो लिस्ट के जो उन्होंने एजेंसी किसी ने हदायत दी होगी, मैं तुम्हें पहले भी गल कर चुका भी समाज में एक मंच से इकट्ठा कर रहे हैं, कितना कितने उन्होंने अपनी जी कुर्सी हिलती नज़र आ रही है, तो इस करके उन्होंने मैनू ही टारगेट किया, नहीं तो होर अदरवाइज जिन्हें भी गैंगस्टर के घर रेड होए ने वो मौजूदा जो एक्टिव ने कुछ भगौड़े ने तो कुछ जेल च ने, तो मैं घर बैठा 3 साल तो मैं हो गया कि घर बैठा आराम, तो कोई मेरी गलत एक्टिविटी नहीं गई, तो मेरे घर रेड होता तो कोई मतलब बनता ही नहीं, फिर जो चलो रेड होया जो बड़ी वीड्डी इनफॉर्मेशन फिर कुछ कुछ ना कुछ तो लभदा भी इन्होंने कोई वीड्डी रिकवरी मिलती, मैं भी समाज करके शर्मिंदा होंगे तुहाड़े शर्मिंदा होंगे कि यार मैं तो बड़ा सच्चा सुचा बनया फिरता सीगा, तो मेरे घरों तो आह लभ गया, तो मिलया तो मेरे घरों कुछ भी नहीं, एंड मतलब साढ़े जो फोन नंबर से मेरा माता जी का फोन नंबर लैके गया, वो तो पहले ऑलरेडी हर थाने हर जगह पर मेरा नंबर हैगा, मतलब जहाँ कि मैं नंबर बड़ा प्राइवेट रखा वा, किसी को नंबर नहीं, माता जी का मेरा सारे को नंबर है वा, उ नंबर सर दोबारा फिर लैके। फोटो जी लगता है तुम्हारी जान में 10,000 का खतरा है, तो तुम्हें सिक्योरिटी मुहैया करानी चाहिए? देखो जे बार बार जिम्मे एजेंसियां कह रही वे खतरा वा, मैनू तो पता नहीं एजेंसियां का कहना वा कि खतरा वा, कभी तो पिछे आह बंदे आ गए, कभी वह बंदे आ गए, जे उन्होंने लगता वा कि मैनू खतरा वा, तो फिर जी जिदा असी वाल्मीकि समाज लिए काम कर रहे हैं, वधिया काम कर रहे हैं, सारे संगठन नाल दिन रात सानू आना जाना पैंदा, फिर जी सिक्योरिटी जिम्मेवारी है वह सरकार की। सोनू जी, खाली हाथ गई इन्नी वड्डी एजेंसी, विरोधियों के मूँह तो बड़ी वड्डी चपेट है, की कहना चाहोगे? बिल्कुल वेखो जिहड़ा सच आ सच तो सच ही आ, इस बार फस्ट टाइम चलो जो असं लाइन चे तो एक सिपाही भी बूहेगढ़ी खड़ा होंगे, तो मन च बड़ी शंका होंगी कि यार एक सिपाही खड़ा, पर एड्डी वड्डी एजेंसी आई साडे मन च 1% भी डर नहीं सीगा, उहदा कारण इह सी कि असीं अज जिहड़ा सीगा बिल्कुल निरोल सीगे, सच्चे सीगे, कोई साडे मन च 1% भी सच नहीं मतलब डर नहीं सीगा, पूरे ना परिवार दे ना मेरे किसी तरह का कोई डर नहीं, परिवार ने पूरा डट के जो जिहड़े उन्होंने सवाल किए उहदा जवाब दिता, पूरी तरह कोऑपरेट किया उन्होंने, जो भी उन्होंने सवाल जी जी चीज़ मंगी है कि अपने बैंक अकाउंट दो, अलमारियां खोलो, जो भी सीगा घर, मतलब इतों तक कि मैं इवें लगता कि जो घर की जगह कच्ची होंगी शायद कई लैके वो भी पुट दे, जे सी बी लैके वो भी पुट दे, सिर्फ वो टाइलों लगन करके या पत्थर लगन करके उन्होंने कदम कितने रहम आ गया भी नहीं ना पुटिए, बाकी घर की कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी नुक्कर नहीं जी फरोली नहीं, बच्चों के टैडी बेयर तक जो होंगे खेलन वाले वो भी पाड़ पाड़ के वह भी देखे गए। सुनो जी, कितने घंटे प्रोसीजर चले? ये लगातार सवेरे 6 बजे तो लैके दोपहर 3 बजे तक 9 घंटे लगातार।
सुनो जी एजेंसियों की गल करिए तो इन्हों की इंफॉर्मेशन बड़ी वड्डी होंदी है। जेकर तुम डेढ़ साल तो समाज की सेवा करते आ रहे हो इन्हों भी सारा पता है तो फिर भी तुम्हें टारगेट किया जा रहा तुम हूँ सरकार को की कहना चाहोगे कि जेकर जब तुम टारगेट किया गया जरा वालों। मैं सरकार को यही मांग करता वा कि देखो जे कितना कि मेरे को इतराज योग चीज़ मिलती तो मैं जवाब दे सीगा। जे कुछ नहीं मिले गया मेरे परिवार को मतलब इन्ना तंग परेशान किया गया 9 घंटे नज़रबंद रखा गया किसी बंद एक घंटा भी नज़रबंद रखे तो 364 की धारा लगती किडनैपिंग की। चलो मैं स्टेट की एजेंसी है चलो उन्होंने कोई गलती हो सकता किसी ने मिसगाइड किया हो तो स्पष्टीकरण भी देना। तो सर सुनो जी जो हम ते वो जो प्रोग्राम जो कीर्तन का आ रहा है ये वालों थोड़ी जानकारी दे दो जी। प्रगट दिवस का प्रगट दिवस का जो प्रोग्राम आ रहा वह 1 तरीक जी शोभा यात्रा आ रही है जलंधर तो वह जगह जगह जो सम्मान जो किया जाएगा स्टेजा लाइया जाएगियाँ लंगर लाए जाएंगे होर भी जो भी सुविधा होगी जो भी साढ़े समाज वालों बहुत वध चढ़ के हिस्सा लिया जा जाऊगा। और एक असी 9 तरीक जो प्रगट दिवस तो एक दिन पहला शोभा यात्रा जी पूरे अमृतसर तो जी कढ़ रहे हैं तो वह गरवाली गेट तो शुरू होगी तो लगभग पूरे अमृतसर के वक् वक् गेटा जाके तो समाप्ति जी की। सोनू जी की नाम जिदा जे बंदे घर के अंदर आ गए कि नाम इंक्वायरी की सारा कुछ लभ्या कि कुछ भी नहीं लभ्या जी रेट वाली गल आ सारे समाज में बैठ के अच्छा उस तो बाद जी परसों रेट हुई उस तो बाद पहली मीटिंग आ क्योंकि असं पहले समाजिक कामों से बिजी सके असं तो उधर उलझे पे हैं तो यह सारे समाज ना जे सानू कोई इंसाफ ना मिलता नज़र आया असी जिवें हुण कि करांगे आला अधिकारियों नूं मंग पत्र देवांगे उहदा जे सानू कोई इंसाफ ना मिलता नज़र आया फिर जो साडा सारा समाज फैसला रहेगा वह उदा ही अगे किया जाए। ठीक है।